आर YouTube चैनल। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विंडो एसी की जो है वायरिंग की जाती है। एक तो होता है डायरेक्ट कनेक्शन, जिसपे मैंने वीडियो बना रखी है, शॉर्ट्स बना रखी है, बट उस पर भी बहुत जल्दी हमारी वीडियो आएगी। बट आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से विंडो एसी की वायरिंग करते हैं विद पीसीबी। तो पीसीबी के साथ फुल कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विंडो एसी को चलाएंगे, हमारी जो कंप्रेशर है, डुअल शाफ्ट मोटर है, स्विंग मोटर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, कितने वैल्यू के कैपेसिटर को लगाएंगे, और फुल कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीसीबी है, कौन सी मेन पीसीबी है आपकी, वो सारा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उस बारे में। तीन मोटर आपकी विंडो एसी के अंदर यूज़ होती है, उसको ही आपको ऑपरेट करना होता है अपनी मेन पीसीबी से। ठीक है, कौन कौन सी? पहला तो आपका कंप्रेशर, ठीक है, जिसमें से कॉमन स्टार्टिंग रनिंग ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे, निकालना मैंने सिखा दिया है। सेम एज इट इज़ आपकी डुअल शाफ्ट मोटर की वायर्स, ठीक है, जिसमें से भी मैंने बता दिया था कि ये सिक्स वायर्स में से कौन कौन सी स्टार्टिंग रनिंग की और कौन कौन सी हाई मीडियम लो की होती है, ठीक है, इस तरीके से बता दिया था ऑलरेडी। तो ये हो गई, और एक स्विंग मोटर होती है, ठीक है, ये तीन मोटर यूज़ होती है। स्विंग मोटर फ्लैप को रोटेट करने का काम करी है। इन्हीं तीन मोटर को हमने अभी डायरेक्ट चलाया था, अब किसके साथ चलाएंगे? विद पीसीबी कनेक्शन करेंगे। ये जो दिख रही है आपको, ये डिस्प्ले की पीसीबी है, ठीक है, डिस्प्ले पीसीबी बोलते हैं। और ये रिबन केबल जो है, ये आपकी डिस्प्ले की जो जैक है वो ऑलरेडी आपकी मेन पीसीबी से अटैच है, जो कि मैंने वायरिंग डायग्राम में आपको समझाया था, है ना। मेन पीसीबी क्या है? डिस्प्ले पीसीबी से आप कमांड देते हैं, और उस कमांड को फुलफिल कौन करती है, यानी पूरा करने का काम कौन सी पीसीबी करती है? ये मेन पीसीबी करती है। मेन पीसीबी में ऑलरेडी आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जैक टू जैक, ठीक है, इनपुट आउटपुट की वायर ऑलरेडी मेंशन होती है कौन कौन सी कलर की है, तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत होती नहीं, और कभी भी गलत जैक एक दूसरे में लगेगी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है अपनी पीसीबी में? वैसे तो पीसीबी के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट है, बट एक मैकेनिकल को क्या क्या चीज़ें देखनी है वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम पीसीबी में अपना क्या है, फ्यूज़ को ढूंढेंगे। फ्यूज़ कहाँ है? तो यहाँ देखिए, ये फ्यूज़ दिख रहा है आपको, लिखा हुआ भी है, ऑलरेडी मेंशन भी रहता है। फ्यूज़ के ही साइड में आपको एक मेन रिले हमेशा दिखेगी आपको। तो ये मेन रिले दिखगी जिसमें दो थिम्बल लगे हुए हैं, ठीक है। इन दो थिम्बल में ना, एक पे तो हम क्या पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए फेस देते हैं, और दूसरा वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इससे आपका कंप्रेशर ऑन होता है 3 मिनट बाद, ठीक है, जब कॉइल वगैरह आपकी कॉन्टैक्ट पॉइंट टच करती है, उस टाइप हीट वगैरह होकर के वैसा वाला सिस्टम होता है। अंदर एक पत्ती टाइप की होती है, वही कॉन्टैक्ट पॉइंट को कब ऑन करना है, कब टच कराना है, कब नहीं कराना है, वो काम करती है, ठीक है। इसी कारण से आपका कंप्रेशर जो है वो 3 मिनट बाद ऑपरेट होता है, क्योंकि रिले ये सप्लाई जो है आउटपुट वो 3 मिनट बाद करती है, ठीक है। पर पता कैसे करें इसमें से कि कौन सा इनपुट वाला पॉइंट है फेज का और कौन सा आउटपुट वाला पॉइंट है? तो वो हम करते हैं क्लैंप मीटर की सहायता से, ठीक है। बाकी ये जो छोटी छोटी रिले दिख रही है ना, ये आपकी है डुअल शाफ्ट मोटर की और स्विंग मोटर की रिले। इस पर ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ देखेंगे आप तो ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई है ना, फैन एच, फैन एम, फैन एल लिखा हुआ है, यानी हाई मीडियम लो। कई बार पूरा भी लिखा हुआ मिलेगा किसी किसी पीसीबी में कि हाई की, मीडियम की, लो की। दूसरी पीसीबी मैंने रखी है, दिखाने के लिए रख रखी है, बट पहले हम इसके साथ वायरिंग कनेक्शन करेंगे, उसके बाद इस रिले में देखेंगे कहाँ कौन सा पॉइंट है। और ये लास्ट वाला जो है हाई मीडियम लो की साइड में, ये आपका किसका पॉइंट है? स्विंग का पॉइंट है, ठीक है। स्विंग वाले में क्या है, इन्होंने कोडिंग लिख रखी है, कई बार स्वीप लिखा रहेगा, कई बार स्विंग लिखा रहेगा, कई बार कोडिंग लिखी रहेगी। जैसे यहाँ पे डीजे लिखा हुआ है, दिखा आपको, दिख गया ना। और यहाँ जो ये जंक्शन पॉइंट दिख रहे हैं ना, इधर दिखा आपको N1, N2, N3 लिखा हुआ है, तो जहाँ भी जंक्शन पॉइंट होंगे वो न्यूट्रल का पॉइंट होगा। 4 दिख रहे हैं, 6 भी होगा, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर 2 भी हो सकता है, तो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। थिम्बल कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी ये जंक्शन पॉइंट क्या होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं आपकी पीसीबी के अकॉर्डिंगली। कनेक्शन कैसे करने हैं? सबसे पहले तो जी क्या है, आपको अपनी मेन लीड लेनी है, ठीक है। मेन लीड में से मैंने अभी अर्थिंग की वायर क्या कर दी है, कट कर दी है। बाकी आप सबको पता है कि अर्थिंग की वायर कहाँ देते हैं, हम हमेशा बॉडी से अटैच कराते हैं, जैसे कंप्रेशर के लिए यहाँ दे रखा है, इसी तरीके से डुअल शाफ्ट मोटर का दे रखा होता है। यहाँ आपकी बॉडी पे भी साइड में अर्थिंग का सिंबल बना हुआ रहता है कि बॉडी से अटैच करनी है अर्थिंग की वायर, ठीक है, लीकेज करंट को एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली। तो अभी इसको तो हमने साइड रखा है। अभी यहाँ पे आपके पास दो वायर आ रही है, न्यूट्रल और फेज, ठीक है। कोई सी भी न्यूट्रल, कोई सी भी फेज मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया में जिस हिसाब से कलर कोडिंग चलती है, तो रेड वाली आपकी फेज से इंडिकेट करते हैं और ब्लैक वाली को न्यूट्रल से करते हैं, ठीक है। अब फेज वाली जो वायर है, ये आपको मेन रिले के इनपुट वाले पॉइंट पे देना होता है, बट कैसे पता करेंगे कि इनपुट है कौन सा? क्लैंप मीटर लेना है आपने, ठीक है, और क्लैंप मीटर को करना है किसपे? कंटिन्यूटी पे, ठीक है, यानी बीप रेंज में करना है। बीप रेंज में करके सबसे पहले तो आपको अपनी ही प्रोब्स चेक करनी है, ये पहला प्रोसीजर है, कहीं क्या पता आपका ही प्रोब्स खराब हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना है, अगर ये फ्यूज ही खराब हुआ
तो क्या है, आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो फ्यूज देखना जरूरी है। अब फ्यूज ठीक है, अब इनपुट कैसे पता करोगे, एक प्रोब आपने फ्यूज पे रखनी है और एक इधर रखा, देखो बीप नहीं आई, ठीक है। अब मैंने इसके साथ टच किया, देखो बीप साउंड आ रही है। तो फ्यूज टू रिले जिसके साथ कंटिन्यूटी आएगी यानी बीप साउंड आएगी, वो आपका इनपुट वाला पॉइंट होगा, और जिसके साथ नहीं आई ये क्या, यहाँ पे सप्लाई कब आएगी, 3 मिनट बाद आएगी, ठीक है। तो आपकी मेन लीड की वायर तो मैंने जहाँ पे बीप साउंड आई वहाँ दे दिया, तो ये फेस पे लगा दिया, डन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद ये न्यूट्रल की वायर है, तो ये जो पीसीबी के अंदर न्यूट्रल के जंक्शन पॉइंट दिख रहे हैं ना, उनमें से किसी भी एक में आप अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ किया, आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, किसी भी एक में करिए, ठीक है। अभी क्या है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी पीसीबी ऑपरेट हो जाएगी, बट हमें सिर्फ पीसीबी को ऑपरेट नहीं करना है, चीज़ों को चलाना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू के कैपेसिटर आपने ले लेने हैं। जैसे इसके लिए कंप्रेसर के लिए हमने 45 का लिया है और फैन के लिए 6 mA का लिया है, ठीक है। कैपेसिटर ले लिया, सबसे पहले मैंने कंप्रेसर की वायर ली। कंप्रेसर की आपकी जो स्टार्टिंग रनिंग है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग रनिंग कोई भी कहीं पे भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इन कैपेसिटर में तो स्टार्टिंग रनिंग आपकी लग गई कैपेसिटर से, यहाँ तक तो डन हो गया जी, ठीक है। तो अभी हम इसे कर लेंगे साइड में। इसी तरीके से आप फैन मोटर के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फैन मोटर की भी जो आपकी स्टार्टिंग रनिंग की वायर है ना, वो आपने किससे अटैच कर देनी है, आपके कैपेसिटर से, ठीक है। तो रनिंग स्टार्टिंग इसमें भी कोई भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये फेज देने का काम करेंगे आपकी मोटरों को, ठीक है। हम तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वायर, ये तीन जो वायर है, ये आपकी हाई मीडियम लो की स्पीड की थी ना, रेड वाली आपकी हाई स्पीड की थी, येलो वाली मीडियम स्पीड की, वाइट वाली लो स्पीड की। ये निकालना भी कर लिया है आपने, ये प्रोसेसर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वायर आपकी रिले लगी हुई है ना, हाई मीडियम लो, एज इट इज उसी स्पीड में लगानी है जो आपकी स्पीड होगी। जैसे हाई को हाई पे ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे में लगा देना है। हाई स्पीड की हो, मान लीजिए आपने मीडियम पे लगा दी है, तो अगर आप हाई पे कमांड दे रहे हैं और मीडियम वाली वायर लगी हुई है तो वो मीडियम का ही काम करेगी, ठीक है। ये लगा दिया आपने, ठीक है, हाई मीडियम लो लग गई, तो डुअल शाफ्ट मोटर को फेज मिल गया इस रिले से। इसी तरीके से ये स्विंग मोटर है, तो स्विंग मोटर की कोई भी एक वायर, ठीक है, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होती है, ठीक है। तो कोई भी एक वायर लेकर के एक तो आपने स्विंग वाले रिले पे लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से इसको फेज मिल गया, रह क्या गया हमारा, कंप्रेशर। तो कंप्रेशर की कॉमन कहाँ जाएगी आपकी, रिले के आउटपुट वाले पे, यानी फेज आउट वाले पॉइंट पे। तो फेज मिल गया मेरी तीनों मोटरों को। अब क्या देना है मुझे, सिर्फ न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल कैसे देंगे, सबसे पहले तो स्विंग मोटर की जो एक वायर है वो अटैच कर देनी है किसी भी एक पॉइंट पे न्यूट्रल के, डन। तो इसको न्यूट्रल फेज दोनों मिल गया है। इसी तरीके से आप क्या है, एक और वायर अब मैंने ऐसे लेनी है, थिम्बल वाली, ये लगाया जंक्शन पॉइंट पे, इसकी रनिंग ब्लू वाली थी तो रनिंग वाले पॉइंट पे दे दिया, डन। कंप्रेशर को, हाँ जी ठीक है, कंप्रेशर को न्यूट्रल मिल गया। इसी तरीके से अब क्या है, एक और वायर चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वायर ना लेकर के, क्योंकि मेरे पास 6 वायर वाली आ रही थी, है ना, 6 वायर वाला डुअल शाफ्ट मोटर था, तो इसमें 2 रनिंग की वायर थी। निकालना भी सीख लिया हमने कि कैसे पता करेंगे, तो ये भी तो रनिंग की वायर है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ही न्यूट्रल के पॉइंट से अटैच करा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल मिल रहा है आपकी रनिंग पे, है ना, डायरेक्टली ऐसे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एक मिनट, अभी क्या है, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, आपके दोनों जो सेंसर्स है ऑलरेडी जैक टू जैक लगे रहते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, ऑन करने जा रहे हैं, तो ज़रा इसको ऑन कर दीजिए, देखिए अभी कैसे ये काम करेगा। तो अभी क्या है, ऑन किया आपने, पीसीबी ऑन हो गई है। मोड क्या है, कूलिंग मोड पे ही रखना होता है। अगर आपने क्या है, कूलिंग मोड से हटा कर ड्राई मोड वगैरह या फिर फैन मोड पे ही सिर्फ रख रखा होगा, तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेशर ऑपरेट नहीं होता है। कई बार क्या है, ये भी दिक्कत होती है कि आपने कूलिंग ड्राई मोड पे रख रखा है या फैन मोड पे रख रखा है, तो उस सिचुएशन में कंप्रेशर ऑपरेट नहीं होता है। और फिर क्या बोलते हैं, हाँ सिर्फ लोग बोलते हैं कि कूलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने मोड ही नहीं रख रखा है। तो हमेशा कूलिंग मोड पे रखना है, कंप्रेशर को ऑपरेट कराना है तो कूलिंग मोड पे रहना चाहिए आपका मोड। उस सिचुएशन में आपका क्या है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल भी ऑपरेट होती है। अभी क्या है, मेरी फैन की स्पीड देखिए, मैंने लो पे कर रखी है इसलिए बहुत लो स्पीड में घूम रहा है ना। अब मैं इसको चेंज कर दूंगी, हाई पे कर दिया, तो देखिए स्पीड भी चेंज हो गई ना। ये देखिए मीडियम, अभी स्विंग ऑफ हो रखा है ना, देखो बंद है, ठीक है, अभी स्विंग ऑफ है क्योंकि यहाँ इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है। ये देखिए मैं स्विंग ऑन करूँगी, यहाँ इंडिकेटर चल गया है। और ये देखिए स्विंग मोटर तरीके से दोबारा पुश किया तो कूलिंग मोड पे, ठीक है, कूलिंग मोड पे ही रखना है। हाँ कूलिंग मोड पे रखना है, यहाँ से टेम्परेचर अप डाउन इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी करना है। ये आपका मेन पावर का बटन है और टाइम भी ऑपरेट होगी अभी आपकी। अभी फैन स्टार्ट हुआ है, स्विंग मोटर चल रही है क्योंकि स्विंग मोटर को ऑपरेट करेगा। ये देखो बहुत स्लो स्लो घूमती है क्योंकि 1 मिनट में 4 to 5 times ही ऑपरेट होती है, ठीक है। कंप्रेशर क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि 3 मिनट टाइम लेगा। तो अभी वीडियो पॉज कर देंगे और थोड़ा, तो अभी देखो यहाँ पे
ये न्यूट्रल से अभी रिले आउटपुट जो 3 मिनट वेट किया था हमने, उसके बाद देखो ये आउटपुट करने लगी है और वोल्टेज आ रही है। अगर नहीं आती है, आपने 5 मिनट भी वेट किया है और उसके बाद कूलिंग कॉइल के एयर वेट करने के बाद भी अगर इस तरीके से रिले आउटपुट नहीं, सप्लाई आउटपुट नहीं कर दिया, तो इसका मतलब आपके रिले में फॉल्ट है और उस कंडीशन में आपका रिले ख़राब माना जाएगा। फिर पीसीबी रिपेयरिंग वालों को आपको देकर वो ठीक करवाना होगा, ठीक है।